हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 4:30 का, क्योंकि आज है सावन का चौथा सोमवार और हमको जाना है गंगा स्नान करने के लिए। तो मैं आज 3:25 पे उठ गई थी सुबह जल्दी, क्योंकि चाहत को लंच बना के भी देना था। तो फटाफट से पूजा वगैरह पहले की, झाड़ू पोछा किया पहले, फिर पूजा वगैरह की, उसके बाद उसके लिए कचौड़ियाँ बनाई और अपनी जो तैयारी करनी थी जाने की वो सारी करी। क्योंकि उसको लंच बना के दे दो तो दिमाग निश्चिंत रहता है कि अगर वहाँ लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर लंच ना दो तो फिर टेंशन रहता है दिमाग में कि ऐसे ही चला जाएगा बिना लंच के, और उसके यहाँ अलाउ भी नहीं है कि बाद में लंच चला जाए। इसलिए सबसे पहले उसको किचन में क्या नाम जाके कचौड़ी बना दी, और चाय मैं एकदम भूल ही गई थी। मैं एकदम रेडी हो गई, बैग भी लगा दिया, एकदम लास्ट में याद आया कि हमने चाय तो बनाई नहीं है। फिर दोबारा से फटाफट से चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर तो जाएगा नहीं। पहले वो कोचिंग जाएगा तो चाय पी के चला जाएगा, बना के थर्मस में भर के रख देंगे तो जब जाएगा तो पी के निकल जाएगा अपना आराम से। और बाकी लोग अभी सब सो रहे हैं, क्योंकि सब उठेंगे 5:30 तक और मैं 4:45 तक घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि जितनी जल्दी जाओ ना तो उतनी जल्दी आ जाते हैं वापस। ऐसे लमसम लोग 6:30 बजे वापस आ जाते हैं। अगर सुबह निकलो जल्दी तो भीड़ भी कम मिलती है और जल्दी से स्नान करके वापस भी आ जाते हैं। तो मेरी चाय भी बन गई, हमने कहा चलो इसको भी छान के रख देते हैं चाय को भी। आज चाय से एकदम दिमाग ही निकल गया कि चाय बनानी है। झाड़ू पोछा, घर की पूजा सारे काम कर लिए, कचौड़ियाँ भी बना के रख दी, मगर चाय एकदम से भूल ही गए थे। और उसके बाद आ गए हम लोग ऑटो के लिए, तो ऑटो वाले भैया भी मैं तुरंत मिल गए थे, और हम आज दो ही लोग गए थे, ज्योति दीदी गई नहीं थी तो ये तुरंत ले कर चले गए थे। जैसे काफ़ी कभी होता है इंतज़ार करना पड़ता है, तो आज इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जैसे हम लोग बैठे वैसे ही ले कर चल दिए तुरंत, तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। वैसे डेली हर सोमवार को यही रहा है, टाइम से हम लोग पहुंच गए हैं, किसी भी दिन लेट नहीं हुए हैं, आराम से पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। और आजकल भैया गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, सबको पता होगा। पिछली बार हम लोग गए थे तो काफ़ी दूर तक चलना पड़ा था गंगा जी के लिए, और अब गंगा जी हैं जो एकदम रोड पर आ चुकी हैं, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता गंगा जी के लिए। बहुत बाढ़ में सभी जगह में लगता बाढ़ आई हुई, नदियों का पानी वगैरह छोड़ा जाता है उस वजह से रहता है, और वैसे भी सावन वगैरह में तो बाढ़ आ ही जाती है। तो फिलहाल देखिए गंगा जी का रौद्र रूप, इस समय पूरी गंगा एकदम किनारे पे हैं, जहाँ से रोड गया है बस उसी जगह से मान के चलिए आप लोग, बहुत से लोग तो रोड पे ही बैठे हुए थे। तो गंगा स्नान कर लिया, उसके बाद जो पूजा वगैरह करनी थी वो भी कर ली, और यहीं पर पास में ही मंदिर है। आज हम लोग दूसरे घाट आए थे, क्योंकि जहाँ पहले नहाते थे वहाँ तो बहुत भीड़ थी, तो हम लोग दूसरे वाले घाट पे आए थे। यहाँ पे एकदम पास में ही शंकर जी का मंदिर था, हमने कहा चलो ये काम बढ़िया हुआ, शंकर जी की पूजा हो जाएगी। वैसे मैं घर से करके गई थी, मगर फिर भी ये देखिए शंकर जी का मंदिर, तो आप लोग भी कर लीजिए भोले जी के दर्शन। संध्या की मम्मी ने जल वगैरह चढ़ाया, उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली, पूजा करने के बाद निकल पड़े। तो गंगा नहा के आ गई थी मैं घर, उसके बाद नाश्ता बना के रख के गई थी, कचौड़ियाँ बना के रख गई थी, चाहत भी लेके चला गया था, खा के चले गए। तो मैंने आके चाय पी और ऐसा सोया ना 12:30 बज गया। सामान्य लोगों ने ऐसे फैला रखा, चाय पी होगी तो केतली यहाँ रखी है, सब ऐसे पड़ा हुआ। और इधर मैंने चढ़ा दी है लौकी रायते के लिए, तो करने जाने खाने की तैयारी, क्योंकि लेट हो रहा है, 12:30 बज गया, सो गए लंबा। और इधर गंगा जल रखा है 2 बोतलें, सामान अभी जितना आया था उसे निकाल के रख दिया, सब ऐसे पड़ा है। तो खाना भी बनाते जाएंगे और एक तो सफाई भी करते जाएंगे, सामान उठा के रखते जाएंगे। झाड़ू पोछा करके गई थी, बस ये है कि सामान इधर उधर, ये लोग बाद में गए ना ट्यूशन स्कूल सब, तो कहीं किताबें डाल गए, कहीं सामान कहीं, कहीं सामान कहीं, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, तो वही उठा के रखना है। और ये गए हैं अपने ऑफिस के काम से बाहर, आने वाले होंगे क्योंकि इन्होंने बोला था जल्दी आ जाएंगे, 1 बजे तक आ जाएंगे, 12:30 बज गया है। खाना तो वही 3 बजे तक होगा, मगर फिर भी चलिए, तो पहले फटाफट से काम समेट लें, खाने की तैयारी कर लें, क्योंकि लेट हो गया है आज।
सफाई हो गई कंप्लीट, सब इधर सामान रखना था रख दिया है, उसके बाद बनाने जा रहे हैं खाना। तो इधर मैं बनाने जा रही हूँ आज छिलके वाले आलू, इनको काट के धो के रख लिया है और इधर भिगो दिया है पूरा मसाला, सब्जी मसाला है इसमें, धनिया मिर्चा गरम मसाला और बस थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड किया है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो और थोड़ा सा सांभर मसाला। और इधर गरम हो रहा है हमारा तेल, तो फटाफट से बनाने सब्जी। कद्दू रखा था, मेरा मन नहीं था खाने का, मैंने कहा चलो आज बनाते छिलके वाले आलू, दाल चावल रोटी रायता। अब डाल देंगे इसमें जीरा, जो लोग प्याज खाते हो प्याज भी डाल सकते हैं, अब हम लोग प्याज तो खाते नहीं, सॉरी आलू डालने जा रही थी जल्दी में, तो इसके बाद डाल देंगे ये मसाला जो हमने भिगो के रखा था, फूल भी गया। मसाला पक गया था, उसके बाद डाल दिया आलू और इनको मिक्स करके बंद कर देंगे, पानी नहीं डालेंगे और गैस कर लेंगे एकदम धीमे, अच्छे लगते कभी कभी आलू। जो लोग प्याज खाते हैं वो लोग काफ़ी प्याज और आधे आलू डाल के बनाते हैं, आधा प्याज आधे आलू, वो भी अच्छे लगते हैं। पहले हम लोगों ने भी बनाया है प्याज वाली, अब नहीं खाते तो नहीं बनाते, पहले बनाते तो अच्छी लगती थी। तो आलू से बनेंगे तो इधर बन गई मेरी आलू, बढ़िया बनी है एकदम लिपटी हुई मसाले में, और इसमें डालने के थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद बंद करके रख देंगे। मौसम हो गया बहुत अच्छा, हवा चल रही है बहुत बढ़िया, एकदम ठंडी वाली हवा चल रही है खूब तेज से, देखो सब पर्दे वगैरह उड़ रहे हैं, यहाँ के बट गए बालों में लगाया कलर थोड़ा सूख जाए, क्योंकि खाना वगैरह बनाया, खाना खा के फिर चले गए बर्तन वाली भाभी को देखने हॉस्पिटल, और वहाँ जैसे गए तो पूछा तो उन्होंने कहा अभी 1.5 घंटे पहले छुट्टी हो गई है, तो हॉस्पिटल से वापस आए, घर में रुके 2 मिनट, फिर गए भाभी के घर को देखने। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था 5-6 दिन छुट्टी होगी, मगर उनकी छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो भाभी को भी देख के आ गए घर से, अब ठीक है भाभी। और ये आ गई सलोनी, आज सलोनी से हम गुस्सा थे, अभी ये आ गई आज, क्या हुआ चलिए, भाभी तो ठीक है उनको देखा, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे हमें लगता है ना, 2 महीने आराम से लग जाएंगे। बारिश चालू, उठो भागो, बारिश होने लगी बहुत तेज एकदम से आ गई, स्टैंड खींचो स्टैंड, ज्यादा कपड़े पहने दो हमें उतार ले, भागम भाग मच गई एकदम से, इसको इधर लगा दो साइड में, जा सलोनी बर्तन, चल बारिश लग रहा होगी, देखो पता नहीं कितनी देर होती है उसका भरोसा नहीं, ऐसी बारिश अब 3-4 घंटे हो ना तो राहत की सांस मिलेगी, ठंडा ठंडा, 4 घंटे नहीं पूरा दिन हो ऐसी, अभी तो शुरू हो जाए रात तक होती रहे, सुबह जाके बंद हो तब कवर होगा, इतनी गर्म धरती है, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत उमस थी आज, जी उड़ रहा था बिल्कुल, हाँ पौधों को पानी, पानी मिलता तो पौधे और हरे लगते, इस वाले पानी से बारिश के पानी से ज्यादा हरे लगते हैं,
चलो फाइनली चालू हो गई बारिश, वो रह गया पर्दा मेरा, अब वो गीला ही हो गया, अब रह गया तो छोड़ो, सूख गया था उठाने के लिए, बहुत तेज हो रही बारिश, नहाए बारिश में, होने दो भाई, बहुत नहाए नहाए, सलोनी नहाओगी बारिश में, सलोनी पैडी भाई नहाए, अरे नहीं सब बर्तन बारिश में छुटा तो बोलो नहीं, गीले हो जाएंगे जल्दी साफ हो जाएंगे, तो भाई मैंने थोड़ा कम पड़ गया है। तो चलिए अब करते हैं मौसम का एंजॉयमेंट, चाय बनाते हैं पीते हैं उसके बाद बाल वगैरह धुलेंगे और इस ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।